इतिहास देखा जाए तो कहेंगे कि अब बीजेपी की बारी है। 98 से 25 साल सरकारें बदलती रही है, किस तरह से आप देखते हैं? टीका रिवार बन जाएगा, सरकार रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी की। जब केरला में खाली कोरोना के मैनेजमेंट से सरकार रिपीट हो सकती है तो हमारे यहाँ तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। अशोक गहलोत का ये भरोसा हकीकत में बदलता दिख रहा है और इस बार राजस्थान में एक नया इतिहास बनने का रुझान है। राजस्थान की राजनीति में बीते कई सालों से एक रिवाज चला आ रहा है, यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होती है, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें जाने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान है। राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। एग्जिट पोल के रुझान को देखकर यही लगता है कि कांटे की टक्कर तो है, लेकिन आगे गहलोत हैं। चुनावी पलड़ा कांग्रेस का भारी है, अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर चल सकता है। एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस का दबदबा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेघवाल, मीणा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच कायम है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी वोटर्स में लोकप्रिय है, जबकि जाट और गुर्जर दो ऐसी जातियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग बराबर वोट कर रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को थोड़ी बढ़त हासिल है। गारंटी होगी, कैडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैडिबिलिटी गारंटी होगी है। सरकार रिपीट होगी इस बार 25 साल के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे, ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग, आप समझ सकते हो जनता के लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भी पहली पसंद अशोक गहलोत हैं, वहीं बीजेपी के महंत बालकनाथ दूसरे नंबर पर हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तीसरे स्थान पर हैं। है तो धावा बोल दिया क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द में छिपा हुआ है दिल के अंदर, इतने सोच समझ के सबने देखो प्लानिंग की हो दिल्ली बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। 200 सीटों वाले राजस्थान में 17 नवंबर को एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस बार 199 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे बड़ी बात, इस बार पिछली बार के 74.71% के मुकाबले इस बार 75.45% वोटिंग हुई, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जीत के दावे हुए। लेकिन एग्जिट पोल के रुझानों में नतीजों से ये चुनाव उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।